हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो सोल्यूशन सेट निकालना है हमें, एक्स की वैल्यू जो फाइंड करके हमें सोल्यूशन सेट जो बनाना है वो हम किस तरह मतलब के बनाएंगे और हमें एक्स की वैल्यू हमें क्या फाइंड करनी होगी, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आइए उसी को डिस्कस करते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये हमने सिंटैक्स बोर्ड की जो मैट्रिक लेवल की जो बुक है हमने ये वहाँ से सॉर्ट आउट की है और हमने ये उसको वहाँ से निकाल कर हमने फिर इसको इसके सोल्यूशन को अब डिस्कस करना है। 6.3 एक्सरसाइज 6.3 के जो पिछले क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 6 वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारी बारी है कि हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करें, तो आइए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे दोनों तरफ है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेंगे। हमने कह रहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, पेपर में स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड की स्पेलिंग पूरी लिखिएगा वरना मार्क्स डिटेक्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 12x-4 और 4x+8, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर कर दीजिए और इधर भी कर दीजिए स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास बच जाएगा 12x-4 और 4x+8। 12 यहाँ पे 4x को इस साइड लेकर आ जाएंगे तो नेगेटिव का हो जाएगा और 4 को इधर लेकर आ देंगे, ये -4 है, इधर लेकर आएंगे तो +4 हो जाएगा। तो हमारे पास 12x ऐसी कॉपी डाउन कर लेंगे, 4x को इज इक्वल टू के इस साइड लेकर आएंगे, जब इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड ये आएगा तो ये -4x हो जाएगा, और ये 8 ऐसी कॉपी डाउन कर लेंगे 8 और ये -4 को इस साइड लेकर आएंगे तो +4 हो जाएगा। आगे चलते हैं, 12x में से 4x को माइनस करवा देंगे तो 8x आएगा। ये बेसिक अलजेब्रा है, अगर आपको बेसिक अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट अगर आपके वीक हैं तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जो बेसिक अलजेब्रा के जो प्लेलिस्ट है उसमें आप एक बार उसको रिव्यू कर लें तो आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के जो कॉन्सेप्ट हैं अलजेब्रा के वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो 8+4 हमारे पास हो जाएगा 12, तो हम क्या करेंगे, 12 / 8x यहाँ पे हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा हमारे पास 2 और ये रहेगा हमारे पास 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/2। अब ये जो वैल्यू हमने जो फाइंड की है 3/2 x की वैल्यू, ये हमारे पास ये हमें देखनी है कि यार ये हमारी वैल्यू जो है ये ट्रू है या नहीं है, मतलब कि ये वैल्यू सही है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है ये वैल्यू हमारे पास सही जो हमने फाइंड की है हमने सही है नहीं है वेरीफिकेशन करनी है। तो हम इसकी वेरीफिकेशन क्यों कर रहे हैं, हमें किन सवालों में वेरीफिकेशन करनी है, 6.3 के जो सवाल थे हमारे पास जिसमें हमने वैल्यूज़ फाइंड किए हैं, हमने हर सवाल में वेरीफिकेशन नहीं की है, हमने कुछ कुछ सवाल में वेरीफिकेशन की है। उन कुछ कुछ सवाल में वेरीफिकेशन क्यों की थी, हमने वहाँ पर उन वीडियोज़ में भी उनकी वजह बता दी है जिस वीडियो में हमने वेरीफिकेशन की है। तो आइए दोस्तों हम इसकी भी वजह बता देंगे कि इस सवाल में हम वेरीफाई क्यों कर रहे हैं। तो हम इस सवाल में वेरीफाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो हमारे पास 12x लिखा हुआ है, 12x मतलब कि अगर वेरिएबल वाले टर्म के साथ कोई दूसरी टर्म भी अगर आ जाए ना तो आप उसको वेरीफाई करेंगे लाजमी, मतलब उस सवाल को वेरीफाई करेंगे 6.3 के जिन सवालों में हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म के साथ कोई दूसरी टर्म भी आ जाए। तो यहाँ पर दूसरी टर्म -4 इसके साथ है, 12x के साथ दूसरी टर्म यहाँ मौजूद है, तभी हम इस सवाल को वेरीफाई करेंगे कि जो x की वैल्यू आई है ये सही आई है या नहीं आई है। तो आइए दोस्तों वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई किस तरह करते हैं कि ये जो सवाल था इसको आपने इक्वेशन ए बोल देना है, पहला काम तो ये था कि आपने इक्वेशन ए बोल के उसके बाद से आपने क्या करना है, ये जो एक्स की वैल्यू है वो सवाल में पुट कराना है, ये जो सवाल है इसमें आपने एक्स की वैल्यू पुट करा देनी है। तो आइए इसकी एक्स की वैल्यू पुट करा देंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन ए, इक्वेशन ए क्या था, वो सवाल था तो सवाल में पुट कराएंगे। ट्वेल्व और एक्स की वैल्यू क्या थी, 3/2 थी, -4 और अंडर रूट के अंदर 4 और एक्स की जगह सिर्फ आपने क्या करना है 3/2 को पुट करा देना है +8। आगे चलते हैं, 12 को यहाँ से डिवाइड हो रहा है 2 से तो 12 कैंसिल आउट होगा यहाँ से तो 6 आ जाएगा, 6 × 3 ये हो जाएगा 18 -4 अंडर रूट के अंदर, अच्छा 2 ये और 2 और 4 ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो 2 × 3 ये हो जाएगा 6+8 तो 18 - 4 हमारे पास आएगा 14
और 6 + 8 ये हमारे पास हो जाएगा 14 अंडर रूट के अंदर, तो हमारे पास बोथ साइड क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसका मतलब है जो हमने x की वैल्यू फाइंड की थी वो हमने इसका मतलब है सही फाइंड की थी, इसको वेरीफाई कर लिया हमने, देखा कि हाँ यार बोथ साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमने सही फाइंड की है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, द सोल्यूशन सेट इज, सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, जो x की वैल्यू उसको यहाँ पे लिख दीजिए 3/2। इस सवाल का जो सोल्यूशन सेट था हमारे पास था 3/2 का। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल एजुकेशन सिनेमा को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से बाखबर हो सकें। और अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट बेसिक अल्जब्रा के बेसिक अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है तो हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोज़ को एक बार सर्च कर लें, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके अल्जब्रा के क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपके कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन के जो मेथड होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के मेथड है, मिडिल टर्म ब्रेक का मेथड है, तो हमारी इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और उन वीडियोस को भी एक बार रिव्यू कर लें, तो आपके वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। सो दोस्तों आप ये हमारी जो वीडियोस हैं, ये हमारा जो चैनल है, ये दूसरों तक भी शेयर करें ताकि जो लोग टीचर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, महंगे ट्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और हो सकता है उनके पास टाइम ना हो, तो हमारे इन वीडियोज़ के ज़रिए वो अपने मैथमेटिक्स से कॉन्सेप्ट क्लियर करके वो अपने पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।